शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने ब्राजील और अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन अनुमानों को अपने पिछले अनुमानों से घटाकर कम कर दिया है। USDA ने अब ब्राजील के लिए सोयाबीन उत्पादन अनुमान फसल वर्ष 2021-22 सितंबर अगस्त में 134 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है, जो कि USDA द्वारा जनवरी में दिए गए अनुमान से लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन कम है। USDA ने अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन में भी कटौती की है। USDA ने अर्जेंटीना का सोयाबीन का उत्पादन 45 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया है। USDA ने अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन में पहले के उत्पादन अनुमान के मुकाबले लगभग 1.5 मिलियन मैट्रिक टन की कटौती भी की है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में गिरावट रह सकती है। USDA के अनुसार वैश्विक सोयाबीन उत्पादन 8.7 मिलियन मैट्रिक टन घटकर 363.9 मिलियन मैट्रिक टन रह सकता है। यह गिरावट साउथ अमेरिका में सूखे के चलते देखने को मिल सकती है। USDA की रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन की सोयाबीन की डिमांड 2021-22 में जनवरी के डिमांड अनुमान से लगभग 3 मिलियन मैट्रिक टन घटी है और लगभग 97 मिलियन मैट्रिक टन रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कम सप्लाई और ऊंची कीमतों के चलते सोया खल की डिमांड घटी है, विशेषकर की चीन की तरफ से, जहां पर सोयाबीन की पेराई भी घटी है और पेराई 3 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर 94 मिलियन मैट्रिक टन रह गई है। जहां तक बात रही अमेरिकी सोयाबीन की, तो अमेरिकी सोयाबीन का 2021-22 का उत्पादन जनवरी के अनुमानित उत्पादन से लगभग स्थिर ही रहा और 4.435 बिलियन बुशल यानी 120.8 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान है, लेकिन यह साल दर साल 219 मिलियन बुशल कम भी है। अमेरिका के लिए सोयाबीन की कटाई का क्षेत्र 86.3 मिलियन एकड़ अनुमानित है, जो पिछली WASDE रिपोर्ट के अनुसार स्थिर है। विपणन वर्ष 2021-22 सितंबर अगस्त के लिए अमेरिकी सोयाबीन उपज का अनुमान 51.4 बुशल प्रति एकड़ अनुमानित किया गया है, जो जनवरी के अनुमान से अपरिवर्तित है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार विपणन वर्ष 2021-22 के लिए अमेरिकी सोयाबीन की पेराई 2.215 बिलियन बुशल यानी 60.3 मिलियन मैट्रिक टन रह सकती है, जो पिछले अनुमानों से 25 मिलियन बुशल अधिक है। USDA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनुकूल पेराई मार्जिन और सोयाबीन मील निर्यात की संभावनाओं में सुधार के कारण सोयाबीन की पेराई पिछले महीने की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। USDA की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोयाबीन का निर्यात अपने पिछले अनुमान से अपरिवर्तित रहा, जो कि 2.050 बिलियन बुशल यानी 55.8 मिलियन मैट्रिक टन है, लेकिन सोयाबीन का अंतिम स्टॉक 2021-22 में 325 मिलियन बुशल यानी 8.8 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि अपने पिछले अनुमान से लगभग 25 मिलियन बुशल कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।